नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। राजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित नैनाना जाट राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में आपको बता दें कि समर कैंप के आयोजन के दौरान गुरुवार को मलखंब दिखाया गया। मलखंब एक सीधे खड़े कम्बे पर किया गया हवाई योग या जिम्नास्टिक का रूप होता है। हालांकि इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलेगा कि मलखंब प्राचीन मार्शल आर्ट का एक रूप है जिसका उपयोग पहलवानों और प्राचीन युग के योद्धाओं को ट्रेनिंग में सहायक के रूप में किया जाता है। परंतु आज गुरुवार को राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में पहुंचे, आपको बता दें रोहताश ने बताया है कि इस प्रकार के आयोजन से सभी छात्र छात्राएं अपना कैरियर भी बना सकते हैं। हालांकि यहां छात्राएं थीं, इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति कहीं से भी इसमें अपना कैरियर बना सकता है और इस प्रकार के आयोजन से न शारीरिक विकास होता है, शारीरिक प्रशिक्षण के लिए भी यह बहुत आवश्यक होता है और इसके साथ साथ खेल कूद में भी हमें भाग लेना चाहिए। मलखंब का नाम शब्द मल्ला जिसका अर्थ है पहलवान और खंभ जिसका अर्थ है खम्मा से मिलकर बना है, शाब्दिक अर्थ है और कुश्ती पोल यह शब्द पहलवानों द्वारा उपयोग किए गए जाने वाले पारंपरिक प्रशिक्षण उपकरण को समर्थ करता है। इस प्रकार आप तस्वीरों में देख रहे हैं, देखिए किस प्रकार छात्राओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। उत्साह के साथ साथ छात्राएं जमकर भी आश्चर्यचकित है कि एक खंभे पर कितने सारे बच्चे कितने सारे युवा एक साथ खड़ा होकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, हवा में हाथ छोड़कर तालियां बजा रहे हैं। तो आप देखिए किस प्रकार एक खंभे पर एक पैर से लटकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार आप तस्वीरों में देख रहे हैं एक के बाद एक लगातार एक खंभे पर जिस प्रकार सभी प्रतिभागी अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं उसको देखकर सभी को दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर है। तो उन्होंने कहा है कि पढ़ाई के साथ साथ रोहताश का कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ इस प्रकार के आयोजन में आप भविष्य बना सकते हो और देश विदेश में खेलकर अपने देश अपने नाम और माता पिता का नाम भी रोशन कर सकते हो। तो जानिए क्या कुछ कहना है इस आयोजन को लेकर यहाँ रोहताश और उनकी टीम का। आपका बेटा अनन्या, अभी आपने क्या दिखाया था? मलखंब दिखाया था। कितने वर्ष से कर रहे हो आप मलखंब? कब से कर रहे हो? साल। एक साल से। अच्छा, ये किस कौन से आता है आपको? कहाँ कहाँ खेल के आए हो अभी? कहाँ कहाँ दिखा के आए हो आप? इससे पहले कहीं और दिखाया था आपने? पहली बार दिखाया है? कैसा लग रहा था आपको दिखा ये करने में? कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था। क्या कहना चाहोगे मलखंब को लेकर और अपनी सहेलियों से क्या कहना चाहोगी? वो भी सीखें नहीं सीखें? बेटा आपका पार्की। कहाँ के रहने वाले हो आप? गरीब नगर मसाला। ये कौन सी जगह है? क्या नैना नगर। अभी आप जो खम्भे पर चढ़ रहे थे क्या था वो? पोल मलखंब। पोल मलखंब, ये क्या होता है? कैसे किया आपने? एक लकड़ी का खंभा होता है उस पे योगा करना होता है। अच्छा, कितने समय से कर रहे हो आप लोग? एक साल से। एक साल से कर रहे हो। कैसा लग रहा था मलखंब करने में? डर लग रहा था क्या? नहीं। डर नहीं लग रहा था? गिरने का डर नहीं लग रहा था? नहीं। तो कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था। क्या कहना चाहोगे अन्य लड़कियों से सहेलियों से क्या कुछ कहना चाहोगे? ये कहना चाहोगे कि वो सीखे या नहीं सीखे? हाँ। आपको कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था। तो उनको भी अच्छा लगेगा का नहीं लगेगा? हाँ। क्या दिखाया था अभी आपने? बोल मलखंब। बोल मलखंब दिखाया था। आई एम विशाल सिंह फ्रॉम आगरा मलखंब टीम। मैं मलखंब का राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हूँ, उसके साथ मैं कोच भी हूँ। कई स्थानों पर डिग्री कॉलेज लेवल तक मैं मलखंब की ट्रेनिंग देता हूँ, योगासन की भी ट्रेनिंग देता हूँ। और अभी आप कहाँ पहुँचे हो? क्या दिखाया? अभी हमने यहाँ राजकीय कन्या महाविद्यालय इंटर कॉलेज नैनाना जाट में हमने मलखंब का प्रदर्शन किया, जिसके लिए हम सभी कॉलेज कमेटी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इनने हमें मंच दिया, बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों के द्वारा रहा। मलखंब के विषय में क्या कहना चाहोगे? मलखंब एक बहुत ही प्राचीन खेल है, जो हमारा मानना है कि जिस प्रकार योग सरकार ने पूरे क्या कहते हैं सभी स्कूलों के लिए कंपलसरी कर दिया, उसी प्रकार हमारा मानना है मलखंब को भी कंपलसरी करना चाहिए। सबसे कम समय में, सबसे कम स्थान में, सबसे कम कीमत में, सबसे अधिक शरीर का व्यायाम कराने वाला एकमात्र खेल है मलखंब, जिसमें पैर से लेकर सिर तक का पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है बहुत ही कम से कम समय में, मात्र 90 सेकंड। अभी कितने टीम थी आपके साथ में, कितने लोग थे? अभी हमारे साथ 10 खिलाड़ी, एक कोच, एक मैनेजर की हमारी टीम आई हुई है।
जिसमें क्या दिखाया अभी आपने दिखाया? अभी हमने मलखम का एकल प्रदर्शन दिखाया जिसमें नेशनल मेडलिस्ट पारखी के द्वारा सोलो परफॉर्मेंस किया गया। एक सोलो परफॉर्मेंस हमारे द्वारा किया गया, उसके अतिरिक्त हमने सामूहिक प्रदर्शन किया जिसे पिरामिड भी बोलते हैं। क्या संदेश देना चाहोगे बच्चों के लिए? हमारा संदेश यही है कि आजकल बच्चे फ़ोन टीवी वगैरह पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो हमारा संदेश ना ही सिर्फ बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए भी है कि बच्चों को किसी न किसी गतिविधि में, शारीरिक गतिविधि में इन्वॉल्व कराएं। जरूरी नहीं सिर्फ मलखम में, किसी भी शारीरिक गतिविधि में इन्वॉल्व कराएं जिससे आजकल जो आँखों से या शारीरिक संबंधी बीमारियाँ होती है वो कम से कम हो सके। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूँ मेरे साथ ताजनगरी आगरा के नैना जाट राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में, और अभी आपने देखा किस प्रकार यहाँ समर कैंप में कुछ युवाओं द्वारा यहाँ एक मलखम दिखाया गया, जिसमें आपने देखा छोटी छोटी बच्चियाँ भी मलखम दिखा रही हैं, और इससे कहा गया है कि यह एक तरह का शरीर का व्यायाम है, और इस व्यायाम को करने से शरीर की सारी कसरत दूर होती है, तो हम सबको मलखम अवश्य करना चाहिए। देखिए किस प्रकार कई प्रकार के मलखम में उन्होंने खम्भे पर कर्तव्य दिखाए। चोप सिंह सक्सेना, आगरा। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सीवी न्यूज़।